जब भी virtualfullline.com के ऊपर कोई कस्टमर साइन अप करता है तो उसको एक कंफर्मेशन ईमेल जाती है। जब कंफर्मेशन के ऊपर अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करता है तो उसका अकाउंट स्टेटस होल्ड पर होता है, अवेटिंग इन ड्रॉप पे, जो हमें एडमिन को अप्रूव करना होता है। लॉगिन करने के बाद हम एडमिन साइट से लॉगिन करते हैं और फिर क्लिक करते हैं गेट अनकन्फर्म ऑर्डर्स के ऊपर। अब यहाँ पे कस्टमर्स दिखा रहे हैं कि इस कस्टमर ये ऑर्डर आईडी है, ये नेम है, ये ईमेल है, साइट आईडी है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी साइट है जैसे groovytel.com है, वर्चुअल फोन लाइन है, पाकिस्तान टेल है, फोन टू नेट है। जब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि साइट आईडी क्या है और बाकी डिटेल भी। तो अब आप क्या करेंगे कि इस कस्टमर की एक ऑर्डर आईडी पकड़ेंगे, उसको नोटपैड पे कॉपी किया, नोटपैड खोलेंगे, दूसरा कॉपी किया, नोटपैड खोलेंगे, तीसरा कॉपी किया, नोटपैड पे लिख लेंगे। अब आपको इस कस्टमर का नाम भी सही है, ईमेल एड्रेस भी डाला है। अगर कस्टमर का नाम होता 1234 1234 या ईमेल होता 1234 1234 या कुछ अजीब सा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सही कस्टमर नहीं है, तो इसको फिर हम डिसअप्रूव कर देते हैं। डिसअप्रूव करेंगे तो यहाँ पे देता है कि आप अपना मैसेज लिखें कि आप क्यों डिसअप्रूव कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें ये सही लग रहा है तो हम इसको भी क्लिक करेंगे, इसको भी क्लिक करेंगे, इसको भी क्लिक करके अप्रूव सेलेक्टेड कर देंगे। अगर खाली एक ऑर्डर होता तो अप्रूव नाउ कर सकते हैं, अगर एक डिसअप्रूव करना है तो डिसअप्रूव कर दें, सारे डिसअप्रूव करने तो सेलेक्ट करके डिसअप्रूव नाउ कर दें। अभी हमें तीनों सही लग रहे हैं तो अभी हमने इसको अप्रूव सेलेक्टेड कर दिया। फिर हम ये ऑर्डर खोलेंगे जो हमने तीन कॉपी किए थे, कॉपी अभी अप्रूव हो जाए पहले। ऑर्डर मैनेजर पे जाके हम ये लिखेंगे, मेक श्योर करेंगे कि आगे स्पेस ना आ रही हो कोई, ना पीछे कोई स्पेस आ रही हो। और ये वाला ऑप्शन है व्यू ऑर्डर का, व्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, उसकी अकाउंट डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। अब हमें कस्टमर का नाम नजर आ रहा है, एड्रेस, ईमेल और टेलीफोन नंबर। तो अभी कस्टमर जैसे यूएस में है और अभी यूएस के अंदर टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बज रहे हैं मॉर्निंग के, तो अभी हम इस कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। ये कस्टमर groovytel.com पे साइन अप हुआ है, तो हम साइट कॉपी करके यहाँ पे खोल भी लेते हैं ताकि हम देख भी लें कि ये वेबसाइट में क्या क्या हम बेचते हैं और किस तरह सेल करते हैं। उसके बाद हम इसके टेलीफोन नंबर लेंगे, इसके ऊपर कॉल करेंगे और उसको वेलकम करेंगे कि अगर आपको कोई सवाल है वेबसाइट से रिलेटेड या कोई क्वेश्चन है या मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ, उससे पूछेंगे नंबर्स खरीदने में या आप कौन सी कंट्रीज के नंबर्स चाह रहे हैं, उससे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे और उससे पूछेंगे कि हम आपकी और किस तरह हेल्प कर सकते हैं इस तरह। उसके अलावा उसके अलावा एक और चीज करेंगे कि अगर किसी कस्टमर का टेलीफोन नंबर नहीं लिखा हुआ, सेल फोन नंबर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ईमेल एड्रेस है, तो हम उसको ईमेल कर देंगे कि डियर सर, आई एम योर अकाउंट मैनेजर एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन, जो भी वेबसाइट आईडी होगी कि वेबसाइट groovytel.com, एंड आई वॉज वंडरिंग इफ यू कैन टेल मी द नंबर ऑन विच आई कैन कॉल यू एंड और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, जो भी आपका नंबर है, और दिस इज माई ई मेल एड्रेस एंड दिस इज माई स्काइप एंड MSN आई डी। उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने आप को जैसे आप उसके अकाउंट मैनेजर हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो आपको डायरेक्टली रीच भी कर सके। तो ये आपका सबसे पहले, जब भी कोई कस्टमर है सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि उसको फोन करके उससे पूछ लें कि उसको क्या उसने साइन अप किया है तो वो क्या चीज खरीदना चाह रहे हैं, ताकि आप उसकी आसानी से हेल्प कर सकें। थैंक यू।